रामगढ़ थाना क्षेत्र के सीसीएल सिरका बंद पड़ी आउटसोर्सिंग खदान में बने एक अवैध खनन स्थल का जाल शुक्रवार एकाएक गिर पड़ा, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से और एक पुरुष और एक महिला कुल तीन लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसे घटना के बाद लोगों की मदद से इलाज के लिए बाहर ले जाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जब यह घटना घटी, जाल के अंदर पांच लोग कोयला काटकर निकालने का काम कर रहे थे, जबकि इस संबंध में सीसीएल सेफ्टी ऑफिसर कामेश्वर महतो ने बताया कि सीसीएल सिरका खदान के इर्द गिर्द चाल धंसने की सूचना पर खोजबीन की जा रही है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इधर अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में रहने वाले सीसीएल सिरका सुरक्षा विभाग के प्रभारी रमेश राउत ने बताया कि सिरका खदान के पास कहीं भी चाल नहीं धंसा है, किसी के भी हताहत होने की पुख्ता जानकारी नहीं है। रामगढ़ से मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद अयूब की रिपोर्ट। कहीं से किसी प्रकार की जानकारी मिली कि आपके खदान के अंदर कोई चाल धंसा है, घटना घटा, तो हमने जाकर हर जगह पे जाकर के अपना चाल को खुली खदान में जाकर के हमने देखा और कहीं भी किसी प्रकार का चाल धंसने का शंका हमको नहीं लगा। उसके बाद मैंने आउटसोर्सिंग पेच में भी गया, आउटसोर्सिंग पेच में देखा कि वहाँ भी कोई चाल धंसने की संभावना नहीं है और ना घटी है घटना। और हम लोग अनलीगल माइन जहाँ हम लोग का चल रहा है, हम लोग दो तीन दिन से लगातार हम लोग डोजरिंग का काम कर रहे हैं और डोजरिंग के काम में हम लोग अभी तक सिरमुहान कई सिरमुहान को बंद कर जहाँ भी चलेगा हम लोग दो रोज चार रोज पर पाँच रोज पर हम लोग वेरिफिकेशन कर करके और हम लोग डोजरिंग कराने का काम करते ही रहेंगे। और आज की घटना से जो हमको जानकारी मिली कि डोजरिंग जो अथी घटना घटा है, मतलब अथी के बारे में चाल धंसने की, तो ऐसा कोई घटना मेरा कोलड़ी में नहीं हुआ है और सिरका खदान मेरा चालू हालत में नहीं, किसी प्रकार की यातायात की खबर नहीं है। और हमने जाकर के घटना स्थल पर देखा है तो पहले की बात है, जैसे मेरा खदान है उसी टाइप से मेरा खदान चल रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। परिचय बताएं। ऐसी कोई घटना की कोई बात नहीं है। हाँ, परिचय बताएं अपना। मैं सिरका सुरक्षा प्रभारी श्री रमेश राउत